आज 3 कृषि कानून जो बिल थे वो आज वापस लिए गए हैं सरकार की तरफ से, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्या इसको माना जाए? सबसे पहले किसानों को उनके संघर्ष के लिए सलाम, उन शहीद किसानों को नमन जिनकी शहादत इस आंदोलन हुई है, और जो सबसे बड़ी बात है उन किसान नेताओं को भी हम धन्यवाद देंगे जो बहुत संयम उद्धय के साथ आंदोलन चला तभी आगे जब तक MFC नेताओं का चलता रहेगा, इनके नेताओं ने कहा है। मुझे खुशी इस बात की, हमने जो पहले कहा था कि अहंकार हारता है, अहंकार हारा है, अन्नदाता जीता है। मैंने कल सुबह प्रेस में कहा था, परसों रात में भी कहा था कि हम सबके नेता जो अखिलेश यादव जी की जो पूर्वांचल यात्रा चल रही है और जो जन समर्थन मिला है, जो भारी भीड़ बारा उत्साह किसान के साथ खड़े हुए हैं, आपको याद है कल सुबह कहा था कि इस यात्रा में जो लोग शरीक हैं उनके ऊपर सीधे ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जो चूक गए उनके लिए दुर्भाग्य इसलिए है कि अखिलेश जी की ये यात्रा एक नया इतिहास लिखेगी। जब इतिहास लिखा जाएगा तो 22 का परिवर्तन तो वो लोग गवाह होंगे उसके। मुझे खुशी है कि अखिलेश जी ने कहा था कि जब तक 3 काला कानून वापस नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। पूरी समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है और देश के सबसे बड़े किसान नेता हम सबके नेता मुलायम सिंह यादव ने हमेशा कहा है कि किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी अन्नदाता है। पूरी पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी, किसान हमारा परिवार, हमारा भाई है। तो अखिलेश जी ने पहले हम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कहा था तब तक चैन से नहीं बैठना है जब तक काला कानून बिल वापस नहीं होगा। ये बिल वापस हुआ है, ये सरकार जो 5 राज्य के चुनाव से डर के वापस की है। जिस तरीके से किसान आंदोलित रहे हैं उन्होंने आज कहा है कि ये सिर्फ बिल पास करने की बात, मतलब वापस लेने की बात कही गई है, जब तक ग्राउंड पे ये पूरा काम नहीं होता है तब तक इस बातों का कोई महत्व नहीं है। किसान नेताओं ने बहुत सही बात की, हम टिकैत जी को धन्यवाद देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। पिछले चुनाव का था 15 लाख रुपए किसानों के अकाउंट में आएंगे, आज तक किसान इंतजार कर रहा है 15 लाख कहाँ है। इस चुनाव से इतना घबरा गई भारतीय जनता पार्टी, हमने कल कहा था कि उत्तर प्रदेश नेतृत्व से भरोसा नहीं है राष्ट्रीय नेतृत्व का। अखिलेश जी की बढ़ती हुई ताकत से, किसानों को गुस्से से, BJP ने पूरे राष्ट्र